दोस्तों हम लेके आए हैं एक हैमर मशीन और जिसकी मदद से आप पत्थर की दीवार और ईंटों की दीवार पर वॉल कटिंग कर सकते हैं और आप अपने इलेक्ट्रिक वर्क को और भी आसान और कम समय में करने वाला बना सकते हैं। तो इस टाइप की मशीन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। लो प्राइस की मशीन होती है ये। इसके साथ में हमें एक पेपर वर्क और एक कार्बन मिलता है एक्स्ट्रा, जो कार्बन होता है, ओके। और यहाँ पर हमें 3 टूल मिलते हैं अलग अलग साइज़ के, जो कि ड्रिल मशीन के अंदर लगाए जाते हैं। इस टाइप के 3 अलग अलग साइज़ के 3 टूल मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो टूल इसके अंदर लगने वाला है वो आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं इसके साथ में, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। सेफ्टी कवर है, ठीक है, जो मिट्टी विट्टी ना जाए इसके मशीन में, ओके। अब यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे मशीन की। ये देख सकते हैं ये है मशीन भाई साहब, और इसकी प्राइस भी हम आपको बताने वाले हैं कितने रुपए की मशीन है, ओके। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस टाइप की ड्रिल मशीन होती है, ये ड्रिलिंग और हैमर दोनों वर्क करता है। थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए, ये 220 वोल्ट 750 वोल्ट का मशीन है, 26 mm का इसके ऊपर बिट लगा सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप की मशीन है, इसके ऊपर आपको एक स्विच देखने को मिलेगा। जब इस तरह से आप स्विच करेंगे तो हैमर बन जाएगी ये मशीन, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ हैमर, ओके। और इस तरह से स्विच करेंगे तो आप हैमर और मशीन दोनों वर्क करेंगे, मतलब घूमेगी और हैमिंग भी करेगी, तो दोनों वर्क करेंगे, ओके। और ये इसका एक हैंडल होता है, इसकी मदद से आप ताकत और बढ़ा सकते हैं मशीन के ऊपर, और आसानी होल या फिर वॉल कटिंग आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी टेस्टिंग भी ज़रूर हम दिखाने वाले हैं, किस तरह से हम ईंट के अंदर भी आप झरिया निकाल सकते हैं, पत्थर के अंदर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी केबल की बात करें तो 8 से 10 फीट के अराउंड आपको इसकी केबल मिल जाती है, काफ़ी लंबी केबल है इसकी, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की केबल है, हैवी ड्यूटी है, एकदम मस्त वाली है, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की पिन है डबल वाली, ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप का हैमर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टूल होता है, इसे आपको अलग से परचेस करना पड़ता है, 100 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा ये मार्केट के अंदर बड़ी आसानी से, और अगर लिंक हुआ तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसे सेट करेंगे और यहाँ नीचे कवर को धक्का देंगे और बस ये फिट हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर हम इसको प्लग इन करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो हमने इसे सिंपली प्लग इन कर दिया है, हम साइट पे हैं और यहाँ पे हम इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम ईंटों वाली साइट पे चलते हैं और आप देख सकते हैं ये घूम रही है, साथ ही साथ ये घूम रही है हैमर के साथ में। तो हम क्या करेंगे, इसका घूमने वाला रोटेशन ख़त्म करेंगे, इस तरह से हम प्रेस करेंगे इस बटन को, ठीक है। अब ये घूमने वाला रोटेशन ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पर हैमिंग रह गया है, सिर्फ हैमर, ओके। ये देख सकते हैं अब ये हैमर काम आता है मात्र जो वॉल कटिंग होते हैं उसके अंदर, और आप इसे हाथ से भी घुमा करके सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेस्टिंग की बारी आती है, किस तरह से टेस्टिंग होती है। इससे पहले आप देख सकते हैं हम छीनी हथौड़ी की मदद से अगर तोड़ते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, हालांकि बेस्ट होता है लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इस मशीन की मदद से ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आप पूरी वॉल कटिंग, झरियाँ, स्विच बोर्ड या आर पार होल करना हो, बहुत सारे कामों में ये मशीन काम आ सकती है, बहुत तगड़ी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लंबी झिरी हो, नीचे हो, ऊपर हो, किसी भी तरह से आप झरिया निकालना चाहते हो, बस एक बार ग्राइंडर चलाइए और सिंपली आप इस मशीन की मदद से काट सकते हैं, आप थकोगे भी नहीं, अच्छा काम भी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ईंट के ऊपर टेस्टिंग। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे पत्थर के ऊपर टेस्टिंग। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, हमारे सामने पत्थर की दीवार है, ऑब्वियसली हम हथौड़े की मदद से, छीनी की मदद से अगर तोड़ते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। गाइस ये राजस्थान मकराना मार्बल सिटी का पत्थर है, बहुत मजबूत होता है और बहुत ही शानदार होता है, ठीक है। ये दुनिया भर में हर जगह लगाया जाता है। तो इसी पत्थर की मदद से ये दीवारें बनाई गई है और यहाँ पे बड़ी आसानी से इस मशीन ने तोड़ दिया है इन सभी पत्थरों को। ये देख सकते हैं आप अपने आँखों के सामने किस तरह से ये तोड़ रही है मशीन, बहुत आसानी से ये कट कर सकती है पत्थर की दीवारों को भी। यहाँ दोस्तों हमारे यहाँ मकराना के अंदर जो है पत्थर की दीवारें भी होती हैं, अंडरग्राउंड वगैरह बनाते हैं ना, बेसमेंट वगैरह, तो वहाँ पर ये पत्थर की दीवारें बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि मजबूती ज़्यादा होती है बिल्डिंग्स की, ठीक है, ये एक तरह से बुनियाद समझ लीजिए। तो किस तरह से ये देखिए पत्थर की दीवारें कैसे टूट रही है और किस तरह से वॉल कटिंग हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कैसे ये निकल रहा है। ये देख सकते, ये इतनी आसानी से हथौड़ी छीनी की मदद से नहीं निकल पाता, आप थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा,
लेकिन हम हाथ से नहीं मशीन से कर रहे हैं। तो बहुत ही कम समय के अंदर हमने इस पूरे होल का वायरिंग पाइपिंग यहाँ पे सेटअप कर दिया। ये देख सकते हैं स्विच बोर्ड कैसे फिट हो गया है बक्सा, और यहाँ पे अब हम फिटिंग दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं पाइप किस तरह से फिट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं एक यहाँ पे हमने सेटअप किया, एक यहाँ इसके सामने सेटअप किया। ये जितना भी होल है पूरे होल के अंदर ज़बरदस्त तरीके से हमने काफ़ी कम समय के अंदर फिटिंग कर लिया। ये देख सकते हैं एक यहाँ पर भी सेटअप कर दिया और एक यहाँ पर भी कर दिया काफ़ी कम समय में गाइस। तो ये मशीन आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको इस मशीन की प्राइस। मैंने लोकल मार्केट से इसे परचेस किया है 3,800 रुपये के अंदर। ये मशीन आपको ऑनलाइन में ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। और मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर लोकल मार्केट से ही देखें, फिर आप ऑनलाइन ज़रूर जाइए।